भैया। पार्वती को देखा सारी बुद्धि बदल गई। देखो शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। और सोचने लगा इतनी सुंदर पार्वती भोला के संग में ब्याही। अरे ना कोई घर द्वार कैन को ना कोई परिवारी देखी 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 शंकर जी की नारी सारी बुद्धि बदल गई। मैं भगवान भोले बाबा के जाता हूँ पास। क्यों? मेरे पास में वरदान है ना, और जाता हूँ भगवान भोले बाबा राजी से दे देंगे तो अच्छी बात है, और यदि राजी से नहीं देंगे तो वरदान प्राप्त कर चुका हूँ, भस्म कर दूंगा भोले बाबा को, तो ले लूंगा छोड़ूंगा नहीं। बोला राजी से यदि दे दिए तो राजी से लाए लिबाई। भगवान भोले बाबा की बात को याद आया, भस्मासुर दौड़ा दौड़ा भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा। और जिस समय भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा, भगवान भोले बाबा ने कहा भक्त क्यों आना हुआ? कहा प्रभु अभी एक शेष वरदान और है, एक और दे दीजिए। क्या वरदान है? कहा प्रभु बस सिर्फ एक वरदान और दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। बोले कौन ना, क्या मांगना चाहते हो? हम देने के लिए तैयार है। कहा प्रभु जो तुम्हारी पत्नी पार्वती हमें उन्हें दे दीजिए। भगवान भोले बाबा ने कहा रे नालायक तुझे शर्म नहीं आती? पार्वती को मांगते समय, और ऐसा इंसान कौन होगा जो अपनी पत्नी को दूसरे को दे दे। लेकिन महाराज भस्मासुर ने कहा ज्यादा ना बोलो, यदि ज्यादा बोलोगे तो तुरंत भस्म कर दूंगा। भगवान भोले बाबा समझ गए बा गई आफत है, बिना सोचे समझे जो वरदान दे दिया तो सोचा समझा। प्यारे ध्यान भी रखना, जो इंसान बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते ना वो बाद में पछताते। एक कीर्तन है, आगे देखेंगे भगवान हरि की कथा। अरे मालिक पूछे गो चुनरिया